फैंटास्टिक रन ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपीसीजी डायरेक्टरेट एंड इट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन द फिजिकल फिटनेस ऑफ द कैडेट्स एंड हेलो गाइस वेलकम फॉर हू। आज 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आज आया हूँ बड़े तालाब के पास। राजा भोज सेतु से यूनिटी फॉर रन का आयोजन हो रहा है जो राष्ट्रीय खिलाड़ी विवेक सागर द्वारा झंडा दिखाकर रवाना किया गया है। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये पहुँचे हैं शौर्य स्मारक में। ये देखिए दोस्तों, ये कैडेट शौर्य स्मारक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे भी झंडा दिखाकर स्वागत करते हुए कैडेटों को एनसीसी द्वारा ये संचालित हो रहा है। दोस्तों ये देखिए, ये शौर्य स्मारक है भोपाल के, जहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये पूरे कैडेट आ रहे हैं। यहाँ पे भी विवेक सागर झंडा दिखाकर कैडेटों को स्वागत करते हुए देखिए, और एनसीसी के अधिकारी भी हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। सुबह के अभी ये जो रन फॉर यूनिटी का जो आयोजन हुआ था, ये भोपाल के बड़े तालाब के पास राजा भोज सेतु से 7:45 बजे, अब ये लगभग 8 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एनसीसी के तीनों विंग के कैडेट हैं, एयर, नेवल और आर्मी विंग के। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, देखिए देखिए दोस्तों, ये सब सीधे खड़े हुए हैं सामने भारत माता की तरफ। आप सभी की नजरें सभी का ध्यान में सामने की तरफ लेकर आना चाहता हूं, जो कि हॉकी इंडियन हॉकी टीम के मेंबर रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एनसीसी क्लास शुरू होकर मैं हमारे एडीजी मेजर जनरल ए के महाजन सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री विवेक सागर जी को मोमेंटो प्रेजेंट करें। ये देखिए जो एनसीसी के विवेक सागर जी को देखिए मोमेंटो देखिए सम्मान ये सम्मानित किया जा रहा है। ये देखिए विवेक सागर जी जो ओलंपियड है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे आप सभी जानते हैं, आज राष्ट्रीय एकता दिवस है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच आज इंडियन टीम के ना कि पास्ट के बल्कि प्रेजेंट के एक फील्ड हॉकी के मेंबर हैं जो अभी हाला में हुए एशिया के बीच में भी गोल्ड मेडल लेके आए। इनकी तरफ के लिए जोरदार सब ताली बजाएंगे। ओके, और आपके लोगों के लिए सबके लिए गर्व की बात है, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इटारसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनको देख के मध्य प्रदेश की हॉकी को और भी प्रोत्साहन मिलेगा ताकि और भी बच्चे हॉकी फील्ड को ज्वाइन कर सके, हॉकी को अपना स्पोर्ट ले सके। राष्ट्रीय एकता दिवस, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सरदार पटेल के लिए बनाते हैं, क्योंकि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश राज के बाद, तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही सारे प्रिंसली स्टेट थे, 536 कितने थे प्रिंसली, सारे अपने अपने हर राजा का अपना अपना राज था, उनके छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे। तो उसको एक कंट्री बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि उन्होंने 536 प्रिंसली स्टेट को डिवाइड करके इकट्ठा करके एक इंडिया एज अ नेशन बनाया था। तो उनकी यादगार में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि आज का दिवस उनका जन्मदिन का दिवस है, इस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएंगे।
और क्योंकि एनसीसी एक दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर यूथ यूनिफॉर्म फोर्स है, तो एनसीसी के कैडेट हमेशा यूनिटी एकता दिवस के लिए यूनिटी रन को ऑर्गेनाइज करते हैं। आज हमने भोपाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ से ये रन को ऑर्गेनाइज किया, जिससे हमारी भोपाल यूनिट भोपाल ग्रुप की जितनी भी यूनिट हैं उनके कैडेट्स ने हिस्सा लिया। और आने वाले सालों में हम आशा करते हैं कि ये दिन और भी अच्छे तरीके से और भी बढ़िया तरीके से मनाया जाएगा, ताकि देश के सभी नागरिक इसमें हिस्सा ले सकें। और एक बार फिर से मैं विवेक जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से, इनका प्रैक्टिस भी चलता है, इनको अपना वर्कआउट भी करना पड़ता है, पर आज हमने इंश्योर किया कि 5 किलोमीटर बढ़ा दिए इनको अपने साथ, इनका वर्कआउट आज तो हमने इनका शुरू करवा दिया, तो ही डजंट रिक्वायर अ वर्कआउट टुडे। सो वंस अगेन विवेक, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर एंड ऑन योर मोर, थैंक यू। विवेक जी, आज आप रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए हैं, कैसा लगा है? ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आज हमें एक वल्लभ भाई पटेल के नाम से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, और इससे इसका मेन मकसद है एकजुट यूनिटी, जो देश की यूनिटी उसको एक साथ करने का, और हमारे यहाँ भोपाल के यूनिट ने वो चीज़ एक आगे कदम बढ़ाया है इसको पूरा करने के लिए। मुझे अच्छा है कि मैं इस चीज़ का हिस्सा हूँ, ये जो यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस की है उसके लिए, एंड मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के एडीजी सर का जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है इसके लिए। सर, आज यूनिटी रन को आयोजन किया गया है जो कि नेशनल यूनिटी को दर्शाता है, और एनसीसी की अहम भूमिका है, क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूनिटी रन भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे को मनाने के लिए उनकी यादगार में 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया करेंगे, और इस भारतीय सरकार की पहल को एनसीसी ने एक इनिशिएटिव लिया, और आज के दिन एक यूनिटी रन ना केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बल्कि ऑल ओवर इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें हर जगह के एनसीसी कैडेट्स ने इस प्रकार का यूनिटी रन किया है। आज के दिन ही भारतीय सरकार ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने माई युवा भारत का एक वेब पेज इनॉग्रेट भी किया है, जो कि हमारे देश के जितने भी यूथ हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने इनिशिएटिव्स को, अपनी इनोवेशंस को दिखाने के लिए और अपने आप को आगे प्रोजेक्ट करने के लिए। तो यूनिटी रन का यही एक उद्देश्य था कि हम भारत की पब्लिक को एक मैसेज दे सकें कि ये हमारा जिम्मेवारी है, हर नागरिक का जिम्मेवारी है कि हम देश को यूनाइट उसका करके रख सकें और आगे बढ़ सकें। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए क्या संदेश? एक भारत श्रेष्ठ भारत भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम एक स्टेट की दूसरे स्टेट की कल्चर को, उनका रहन सहन को, उनके खान पान को जानते हैं, तो इसके अंदर भी एनसीसी ने काफ़ी आगे इनिशिएटिव ले रखा है। हर साल दो स्टेट्स को पेयर किया जाता है और यकीन किया जाता है कि ये नेबरिंग स्टेट नहीं है, और जैसे यदि मध्य प्रदेश है तो हो सकता है हमारी पेयरिंग नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट के साथ हो, या साउथ के साथ हो, या J&K के साथ हो, ताकि दूर का स्टेट लिया जाता है, ताकि यहाँ के बच्चे वहाँ के कल्चर के बारे में सीख सकें, और वहाँ के बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो वो यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में सीख सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। तेरा कौन से विंग्स हो आप लोग? नेवल विंग्स है। अच्छा, MP नेवल विंग्स। अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा है। ये जो 5 किलोमीटर की रनिंग हुई है आज, इससे सारे लड़के जो कभी कभार करते थे रनिंग, है ना, उनकी और अब इसमें हैबिट बन जाएगी, अब कल भी उनको लगेगा कि हमें दौड़ना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। और खासो से यूनिट एकता के लिए आप लोग दौड़ रहे हैं, बहुत बड़ा मैसेज है। और बाकी सारी यूनिट के बच्चे आए तो गर्ल्स वगैरह सबको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है। हाँ हाँ, ठीक है। देश के लिए तो दौड़ना ही चाहिए। हाँ, देश के लिए अच्छा रहता है, सेहत के लिए अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, साथ में देश के लिए भी अपन दौड़ रहे हैं। ठीक ठीक, ये सारे के नेवल विंग के हैं।
ये पूरे नेवल विंग के बच्चे हैं, बताया जा रहा है कैडेट्स हैं ये है। ये भी नेवल, आप लोग भी नेवल विंग्स के हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को आज जो ये एकता के लिए आप लोगों ने ये दो मतलब रन किया है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पसंद है ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हम मतलब यूथ को हम इस तरह से एक्टिव होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और सबको यूनिटी, सब लोग एक से एक से लग रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक से लग रहा है हाँ, ये देखिए, ये देखिए पूरा ये गर्ल्स कैडेट्स हैं ये, ये देखिए मैं बने एम पी सी टी आर भोपाल पीपल्स यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा पीपल यूनिवर्सिटी से, अरे बाबा आपका भी आपके दोनों क्या दोनों विंग से बच्चों को लेके आए आप? नहीं मैं सीनियर हूँ। अच्छा सीनियर है, मैं कैडेट ही हूँ। अच्छा कौन सा विंग से? मैं आर्मी विंग से। आर्मी विंग से, अच्छा अच्छा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बच्चों के लिए बड़ा अच्छी चीज है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक रन के साथ साथ यूनिटी के लिए अपना रन किया, अपना वर्कआउट हो गया, वर्कआउट हो गया सुबह सुबह ताजी हवा के साथ, बिल्कुल अच्छा है, बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। अच्छा 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 तो कौन सी ईयर में आप? मैं एनसीसी थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में, वाह वाह बहुत अच्छा, सेकंड में आपने कवर कर लिया आपने जी, फर्स्ट और सेकंड में मेन होता है जी, क्योंकि वो उसके बाद फर्स्ट और सेकंड के बाद बच्चा अमूमन बाहर हो जाते हैं जी, जी। मैं भी सेकंड के बाद बाहर हो गया था जी। थैंक यू आप लोगों को, बहुत अच्छा, ये देखो ये देख सकते पूरा कैडेट से ही ये देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है आज जो आपने ये फीलिंग गुड सर, यूनिटी रन था, यूनिटी रन यस सर, एकता दिवस के अवसर पे यूनिटी रन कराया गया, तो जिसमें आर्मी एयर और नेवल सब तीनों विंग ने भाग लिया और 5 किलोमीटर रन हमने किया। अच्छा अच्छा, हमने कमला पार्क से शुरू करके सॉरी स्मारक पर खत्म हुए हैं ये, ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज गया ये है ना, देश के लिए एकता, एकता के लिए जो है ना, ठीक ठीक ये दोस्तों देखिए ये एयर विंग के कैडेट्स थे, यूनिटी का फल रन का सर मेरे को बहुत अच्छा लगा और हमारी टीम को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हाँ, ऐसे बीच में होना चाहिए है ना, देश के लिए। कौन से विंग से आप लोग? आर्मी विंग से। कैसा लगा बेटा आज आप लोग, ये पकड़ो माइक पकड़ो, कैसा लगा बेटा आज आप लोग? अच्छा लगा है, एकता के लिए आज आप लोगों ने जो दौड़ ला मतलब, तो कैसा लगा मतलब, किस टाइप का मैसेज देना चाहेंगे देश में, किस टाइप के हमेशा होता रहे? बस ये कि मतलब ऐसे साथ में रहना चाहिए, ऐसे साथ में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूनिटी दिखाते हैं और इंडिया यूनिटी के लिए होता है, और साथ में सेहत भी सुधारता है, थोड़ा एक्टिविटी बढ़ी रहती है स्वास्थ्य है ना, ठीक है। और कुछ कुछ और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बताओ बताओ। मैसेज इंडिया के लिए, स्टे हैप्पी स्टे यूनाइटेड, साथ रहोगे खुश रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो साथ रहिए, ठीक है ना, धर्म में ये सब मत देखिए, ठीक है ठीक। और ये बहुत अच्छा लगा, बस बढ़िया। और भी कोई मैसेज और भी कोई वाइब देना चाहे तो दे दो, ठीक है ठीक, थैंक यू। आप लोग अच्छा, कैसा लगा आप लोगों को आज ये जो रन था यूनिटी फॉर रन के, अच्छा लगा? हाँ बहुत बढ़िया। और देश के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? हाँ, एकता बनाए रहे है ना, फिट रहे, फिट रहे, हाँ हाँ, अपने फिट के साथ साथ एकता भी, यूनिटी एकता भी बनाए रहे, ठीक ठीक। ये दोस्तों ये देखिए, ये देखिए हाँ, आप तो आर्मी विंग से हो हाँ, क्या नाम है? माय नेम इज अंडर ऑफिसर राजीव कुमार मिश्रा। अच्छा अच्छा, कौन से ईयर में आप सर? आई मीन माय फाइनल ईयर। फाइनल ईयर, अच्छा अच्छा, कैसा लगा आपको ये आज जो यूनिटी पर रन फॉर यूनिटी, अच्छा लगा सर? इट्स अ फैंटास्टिक रन ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपीसीसी डायरेक्टरेट एंड इट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन द फिजिकल फिटनेस ऑफ द कैडेट्स एंड एज यू नो द यूनिटी, यूनिटी मीन्स एकता, एकता एकता को ये दर्शाता है और ये बहुत ही अच्छा एक हम एक वो बोल सकते हैं कि एक स्टेप हमारे एमबीसी डायरेक्टरेट ने लिया है आज के दिवस को मनाने के लिए। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? आप तो युवा है ही, आप तो हैं साथ में, और क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रोज हमेशा इस टाइप एक्टिविटी होता रहे? सर मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी तो हमारे एमबीसी डायरेक्टरेट ने कराया, बट आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द लाइक पुलिस स्टाफ एंड आर्मी स्टाफ टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ यूनिटी रन। थैंक यू। जय भारत माता की, जय।
आपको देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं और भारत की जय।